हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है सबके? अच्छा भाई, अभी जो है कुछ सीन ऐसा है कि बच्चों ने जो है वो तोतों ने जो है बच्चे वगैरह दिए हुए हैं, और काफ़ी टाइम हो गया। मैं एक तो दिन जो है मेरा ब्लॉग भी जो है वो लेट हो गया, इसकी वजह से मैं ऊपर आया भी नहीं हूँ छत पर। तो आज जो है ऊपर आऊँगा और उनके बच्चे वगैरह चेक करते हैं और दाना पानी वगैरह भी करना है सारा, और उसके अलावा जो बाकी सारी प्लानिंग है उसकी भी अभी बातचीत वगैरह चल रही है, और इंशाल्लाह वो काम भी पूरा करेंगे। हेलो, क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के? और ये सारा तुम लोगों ने दाना वगैरह सब ऐसे ही फेंका हुआ है, क्या बात है, खा नहीं रहे हो? अभी देखते हैं इनको भी कि क्या मसला इनके साथ, और बाकी जो है कॉलोनी में भी चलते हैं और कॉलोनी में भी देखते हैं कि क्या मामला है आगे भी। आप अभी यहीं से देखो, और मैं बड़ा एहतियात से खोलूँगा अभी दरवाज़ा, क्योंकि ये एक तोता वो देखो आप सामने बैठा हुआ है, बाहर निकला हुआ है वो, उसको भी जो है अभी अंदर वगैरह करते हैं और फिर इनका दाना पानी वगैरह करते हैं। बाकी जो है मेरे ख्याल से तोतों ने बच्चे वगैरह भी दिए हैं, उनका साइज़ भी बढ़ गया, वो बच्चे भी देखते हैं, उनको भी सेट करते हैं। तो अभी दाना पानी करते हैं इनका और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इनका जो हरा है ना, इनको भी तोड़ के देने से बड़ा फ़ायदा होता है, उसमें ये कि जो है डंडियाँ वगैरह जो है वो ज़ाया नहीं होती हैं, आप इनको ऐसे कर दो तो उसमें ये कि तो ज़ाया भी नहीं होगा और अच्छी तरह ये उठा भी लेते हैं इसको, ना पूरा पूरा दूध होता है ज़ाया भी कर देता है। अच्छा, बाकी जो है मैंने इसमें से कुछ जो है वो तोतों के लिए उठा लिया लूसन, अब जो है ये तोतों वगैरह को देंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ पेयर जो हैं वो लूसन खाते हैं और कुछ जो है वो भुट्टा वगैरह जो है वो उसमें सही इंजॉय करते हैं। ये देखें सही जो है इधर ये इंजॉय वगैरह कर रही है यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था ये तोता बाहर निकला हुआ है, तो मैं अंदर आ गया हूँ और अभी इसको पकड़ता हूँ, और उसको पकड़ने के लिए मैंने अभी जो है अपने भाई ये ग्लव्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बगैर ग्लव्स के लिए इनको पकड़ता नहीं हूँ। काटते भी हैं और ये अच्छे खासे हो गए हैं यहाँ पर भी, और ये कुछ नए बर्ड्स आए हैं, कलरफुल हैं सारे ये, और अभी इसको पकड़ते हैं और फिर जो है इनका सारा दाना पानी वगैरह चेंज करता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, परसों मैंने चेंज किया था, तो यहाँ पर देखें खाली वगैरह पड़ा हुआ है, और इनका दाना पानी वगैरह चेंज करता हूँ। और सरप्राइज़ ये था कि ये देखें चीनी मुर्गी, ये कहीं से आ गई थी उड़ के, और अभी जो है हमारे पास ही है, इसको टेक केयर कर रहे हैं, अभी जो है खाना वगैरह खा रही है, लेकिन ये काफ़ी डर रही है ये ना, ये देख आप काफ़ी डर रही है, तो अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे ताकि इसका ये डर जो है वो निकल जाए और एक पालतू टाइप की बन जाए ये ना। तो अभी इसको इन सबको अभी दाना पानी वगैरह करते हैं, इनका ग्लव्स वगैरह पहन लिया है, अब इसको पकड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हाथ में आएगी, क्योंकि अभी कोई फर्स्ट टाइम ही निकला कोई जो है जाल से बाहर। आ जाओ, उसको पकड़ते हैं। अरे भाई ना करो तंग, आ जाओ यार, आ जाओ, ये तो मेरे ऊपर ऊपर चढ़ रही है, आ जाओ, आओ आओ आओ, नहीं मानोगी, हाँ बात ही नहीं मान रही है। चलो मैं इसको पकड़ता हूँ और फिर मैं इनका दाना पानी करना है, मैं लेट हो रहा हूँ, पकड़ लेते हैं उसको ज़रा। फाइनली हाथ में आ गया ये, काफ़ी देर बाद वहाँ पीछे की तरफ चले गया था, तो वहाँ तो निकलने की जगह नहीं है, इसके अंदर फंस गया था जाके, अब तो हाथ में भी आ गया, और ये है भी बहुत खूबसूरत, अच्छा खासा अच्छा साइज़ है, इसको जो है इसके साथ ही डाल देते हैं। ये पता है कैसे निकली थी बाहर, ये अभी मैं इसको पहले अंदर डालूँ। ये क्या करती है, यहाँ पे जो ये खाने की जगह है इसको यूँ खोल लेती है,
और यहाँ से अपने चोंच से खोल के और ये इस जगह से बाहर आ जाती है। कल परसों ये चीज़ करी थी मैंने, बोला लेकिन ये निकलेगी नहीं यार, इतनी समझदार तो नहीं होते, लेकिन खैर ये कुछ ज़्यादा ही समझदार है जो यहाँ से बाहर निकल के आ गया। अब मैं इसको भी और इसको वायर से पैक कर दूँगा। दाने वगैरह का जो है वो पॉट्स वगैरह निकाल के और इसको अच्छी तरह जो है साफ वगैरह करें, क्योंकि इसमें जो है डेली मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है कॉलोनी जो है वो अभी बनी नहीं है, तो जो इनके पॉट्स वगैरह हैं तो उसमें जो है वो डेली वगैरह जो इनका दाना वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो ये अभी ये पानी की बर्तन है, इसका सारा अभी गंदा पानी निकाल लिया, इसको पूरा साफ़ सुथरा करेंगे और फिर इनको नया फ्रेश पानी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और मैंने जो आपको बताया था कि इसमें बच्चे वगैरह भी हैं, तो इस वाला जो ये प्याला है, पेयर है येलो का, ये अंडर साइज है, अच्छे प्यार है, और इसमें जो है इसके बेबीज हैं सारे, बच्चे वगैरह इसके अंदर हैं चिक्स, और वो जो सामने जो नीचे लव बर्ड्स टाइप के बैठे हैं वो उन्होंने जो है अभी अंडे वगैरह दिए हैं। और यहाँ पे जो है इसके पहले के चिक्स निकले हैं और मज़ीद अभी जो है इसकी मादी जो है वो अंदर जा रही है बार बार, और क्या पता इंशाल्लाह वो अंडे भी दे दे। और ये वाला जो पेयर है इसकी भी जो है फीमेल अंदर ही है, आपको दिख रही होगी शायद वो अंदर लाइट की, आपको वो भी इंशाल्लाह जो है अंडे वगैरह देने वाली है। मैं आपको जो है इसके चिक्स वगैरह दिखाता हूँ, ये हटाते हैं और ये देखें अंदर इन्होंने अच्छे खासे चिक्स वगैरह इन्होंने दिए हैं, और ये इंशाल्लाह जैसे ही बड़े होंगे मैं फ़ौरन रख देता हूँ क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे। वो ये असल में जो है ना नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपने अंडे वगैरह जो है वो सारे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम उनको देखते ही नहीं है, कम ही उनका गौर करते हैं, ये कम ही देखे हैं इनके अंडे बच्चे वगैरह जो है। आप तो इनसे तो मिल चुके हैं इन दोनों से, और ये भी इंशाल्लाह जो है आने वाली है पंडों पे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंडे प्रोवाइड कर देगी हमें भी, तो हम इसकी भी ब्रीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। और ये अभी जो है चीनी जो है अभी नाराज नाराज सी है, ज़रा रूठी रूठी सी है, उसको भी इंशाल्लाह जो है सेट करवाएंगे। इनको पानी वगैरह देने की बारी आ गई है और ये जग वगैरह ले लिया है, आप जो है ऐसे पानी वगैरह इसमें भरेंगे, ठंडा पानी जो है वो होता है क्योंकि अभी धूप वगैरह बहुत है, इसलिए एक ज़रा इसमें फ्रेश पानी आ जाएगा बिल्कुल, तो अभी इंशाल्लाह इनको पानी वगैरह देंगे ताकि पानी वगैरह पिए, क्योंकि अंदर बच्चे वगैरह भी निकलेगा ना इनके, तो उसमें ये कि और इनका जो है रोज़ को पानी वगैरह चेंज करना पड़ता है। पानी फुल हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं यहाँ से और फिर उठाते हैं और चलते हैं फिर केज की तरफ। अरे यार ये दोनों हाथ कैसे इस्तेमाल करूँ मैं, चलो इसको हम यहाँ रखते हैं पहले, तो यहाँ रखने के बाद इसको केज को ऑन खोलते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं अंदर, इसको यहाँ रख देते केज बंद कर देते हैं वापसी। ये जो इनकी ये पॉट्स वगैरह हैं इसको इस पानी से धो के फिर इनको इसमें पानी वगैरह देंगे ताकि अपने बेबीज वगैरह को जो पानी वगैरह पिलाया जाते हैं। आज तक कभी घर के बर्तन नहीं धोए होंगे जो इनके बर्तन धोने पड़ते हैं, करना पड़ता है यार, लेकर भी आया तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। बेसुमान जानवर है ना, कुछ बोल भी नहीं सकता, कोई तकलीफ भी नहीं बता सकता, जो करना है वो हमने लिखना है कि उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, सब कुछ हमें करना होता है। वैसे आप लोग भी बर्ड्स वगैरह रखा करें घर में, इससे यह है कि एक तो फ्रेशनेस हो जाती है जब भी शाम में आके बैठो यहाँ पे ऊपर, और जो ये बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ वगैरह चहल पहल जो भी होती है, ये एक एक बंदा एक फ्रेश फील करता है अपने आप को। अच्छा तो सबने पानी रख दिया हमने भी, और अब जो है अभी मेरे पास जो भुट्टे वगैरह पड़े हुए थे वो उठा के जो मैंने अभी
जो पट्टे वगैरह निकले हुए हैं उनमें रख दिया है। और अभी ये जो है असल में इनको इससे कैल्शियम वगैरह मिलता है, इनकी जिसामत अच्छी होती है और इनके पर वगैरह अच्छे होते हैं। चीज़ से आप देख सकते हो ये किस तरह जो है इसमें निकाल निकाल के नोच नोच के खा रहे हैं। वहाँ पर भी रखा हुआ है एक अंदर, एक यहाँ पर भी रख दिया ताकि लड़े भी नहीं, क्योंकि इस केस में बहुत सारे हैं। और अभी ये सारे जो है अभी सेल आउट कर देंगे मैं, क्योंकि पट्टे हैं सारे भी है। ब्रीडर्स जो है वो अलग रखे हुए हैं, ब्रीडर्स वगैरह जो है वो सारे इस केस में हैं। और ऊपर जो है वो सारे कलरफुल वाले हैं, वो जो है अभी उसको अभी देखेंगे उसमें भी कौन से मेल और फीमेल कौन से अच्छे वगैरह हैं जिनका पीयर वगैरह लग सकता है, उनको सब अलग अलग करेंगे। चिनी मुर्गी आपको दिखाता हूँ करीब से, ये खुद ही बहुत खूबसूरत है, सही है, इसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी होती है। और ये अभी तोड़ के आ गई थी, अब ये नहीं पता कहाँ से आई है, किसकी है। बहरहाल इसको मैंने अभी यहाँ रख दिया है और ये इसका दाना पानी वगैरह चल रहा है। लेकिन ये जो है डरती बहुत है बीरा, तो उसका डर वगैरह जो है वो निकलेगा, लेकिन कुछ टाइम इसमें लगेगा। आप अभी देख सकते हो उसको हाथ हल्का से डरूंगा ये किस तरह उछल रही है, तो यानी कि काफ़ी डर रही है। तो अभी इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह, ये बाहर निकलेगी, खुलेगी, मिलेगी और ये सेट हो जाएगी। दोनों को भी बाहर छोड़ दिया ताकि थोड़ा मटर कश्ती वगैरह कर लें अपनी, है इधर उधर घूम लें थोड़ा, क्योंकि काफ़ी जो है देर से समझे कल से जो है वो पिंजरे के अंदर थी, लेकिन पिंजरे में तो नहीं थी, खैर ये वो कलोनी में थी, ओपन थी। लेकिन मैं बोला चलो बाहर वगैरह ज़रा घूम लेगी इधर उधर, तो अभी इनको बाहर भी छोड़ा है 5-10 मिनट के लिए जब तक मैं हूँ, तो इनको घूमने देते हैं। देखें आप किस तरह जो है अपने आप को रिलैक्स कर रही है, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये जैपनीज खिलाती हैं, ऐसा बेला होती हैं, ये सिल्किन के जो है कलर वगैरह जो है सिल्वर होता है, इसमें ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है, और इनके जो पर वगैरह होते हैं बिल्कुल सिल्की होते हैं। इनके दाने वगैरह से फारिग हो गए, ठीक है, अब जो है खामोशी से हम 5-10 मिनट बैठ गए, इससे दिल को वॉच करेंगे कि किसी को मसला तो नहीं है, सब दाना उठा रहे हैं और उनकी जो आवाज़ें हैं वो एकदम जो है इतनी तेज़ हो जाएंगी कि आप जो है अगर यहाँ से बाहर निकलो और नीचे भी जाओ तो आपके कान में जो है वो फूल से भी होती है आवाज़। अभी आपको देखना, मैं खामोश होता हूँ, उनकी आवाज़ें वगैरह सुन रहा हूँ। जी अच्छा भाई, सारे कामों से फारिग हो गए थे और जो है अब जो है मैं असल में सो गया था क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो गया था, और कल संडे भी है, पेट मार्केट भी लगी कल, और इंशाल्लाह देखते हैं, मज़ा आएगा, वहाँ पर भी जाऊँगा मैं सुबह में। सुबह मेरा जो है तकरीबन वहाँ पे जाना है 10, 10:30 या 11 बजे के करीब जाऊँगा। अच्छा भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं आ रहे भाई, सब्सक्राइब करो ताकि सपोर्ट मिले, आगे बढ़ें, कुछ और नए आइडियाज़ लेकर आएँ। और ऊपर जो है ज़ू में जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें लेकर आए हम, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी रेडी करेंगे। तो मैं जब ही कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, वीडियो देख के आगे मत बढ़ो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ओके, एक बटन एक क्लिक करना होता है सब्सक्राइब का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।